जसपुर के ग्राम भरतपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की बीते रोज जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो पहुँचती है उनके घर और दबिश के दौरान उनकी पत्नी गुरजीत कौर जी की हत्या हो जाती है। मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में है। इस समय सिख समाज उनके घर आया हुआ है और अहम निर्णय लिए हैं। हमारे संग मौजूद हैं ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह फलौदिया जी। सर, किस तरह की बैठक हुई है और क्या निर्णय लिया गया है? बैठक में यह निर्णय लिया गया है, यह निर्णय हमारा, कि पीड़ित परिवार गुरप्रीत कौर के परिवार के साथ बातें की हैं। अभी तक न्याय तो मिलना दूर और हमारा शोषण हो रहा है। जैसे क्रॉस FIR घटना हुई है काशीपुर उत्तराखंड के अंदर कुंडा, और जैसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है मुरादाबाद के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई संगीन धाराओं में, पता चला है जैसे चोरी और सिन्नाजोरी वाली बात है। दूसरा नंबर, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 20 तारीख को भोग है गुरप्रीत कौर का। अगर 20 तारीख तक दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो हम गुरप्रीत कौर की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। सर, बात करें तो क्या उत्तराखंड पुलिस से इस बात का हुई है कुछ आपकी? मेरी एडिशनल SP काशीपुर से बात सबके सामने यहाँ पे हुई है। उन लोगों ने निराशाजनक एडिशनल SP साहब ने बयान दिया है कि हमने जब पूछा कि कब तक आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कि वह मैं आपको नहीं बता सकता। इसका अंदाजा निकाल लीजिए कि टाइम निकाल देंगे। और चोरी सिन्ना चोरी वाली बात हो रही है, यूपी में पीड़ित परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और क्यों, हम क्या मानने के वो पुलिस थी, वो सिविल ड्रेस में थी ना, वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखंड के पुलिस के बयान है ना, उन लोगों ने यहाँ के थाने में कोई इन्फॉर्म की ना, आकर के यहाँ अमन दर्ज कराई, सीधा आकर के अटैक करते हैं, गुरप्रीत कौर की हत्या कर देते हैं। तो क्या लूट खसोट क्या किस मकसद से आए थे, क्यों गुरप्रीत कौर की हत्या हुई, तय तक जा रहे हैं। इस मामले की वैसे तो CBI जांच होनी चाहिए, हम 20 तारीख के बाद CBI की भी मांग करेंगे। हमें नहीं लग रहा कि यूपी पुलिस, यूपी सरकार, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार हमें न्याय दे पाएगी, क्योंकि यहाँ हमें फर्क समझा गया है। हमारी एक बेटी की और हत्या हुई थी अंकिता भंडारी की, वो भी हमारी बेटी थी, हम उसके साथ हैं, उसका दर्द हमें बहुत है, मगर यहाँ गुरप्रीत कौर के में और अंकिता भंडारी में फर्क समझा गया है। अंकिता भंडारी की जब हत्या होती है पूरा अमला पहुंच जाता है, DGP साहब, प्रमुख सचिव साहब, मुख्यमंत्री साहब सब पहुंच जाते हैं, और गुरप्रीत कौर को उत्तर प्रदेश पुलिस मार देती है उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलके। यहाँ मुख्यमंत्री साहब, DGP साहब, प्रमुख सचिव की तो बात छोड़ो, कोई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट तक यहाँ पे अभी तक इस परिवार की सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा। सर, आपने 20 तारीख की बात कही है कि अस्थियां विसर्जित नहीं होंगी अगर गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या उसके बाद कुछ रुक रहेगा आप लोगों का? हम आंदोलन करेंगे, जब सरकार हमें न्याय नहीं देगी तो सिख लोग तो आंदोलन करते आए, हम अपनी परंपरा के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करेंगे, जैसे हमारे तराई सिख महासभा के प्रीतम सिंह संधू साहब अनाउंस करके गए हैं सब, फिर तो हम आंदोलन करने पर ही मजबूर रहेंगे। ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है, एक गुरप्रीत कौर की नहीं मानवता की हत्या कर दी, कि पुलिस कितनी निरंकुश हो गई है कि घर में घुस के एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी गई और अभी तक वो जो है दोषी जो है अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो इसमें फिर अगर गिरफ्तारी नहीं करते वो और ऐसे ही हमें लारे लप्पे लगाए रहते हैं तो आंदोलन के अलावा हमारे पास फिर रास्ता बचा ही क्या है? ये तो हमारे लिए मरने जैसी स्थिति हो गई कि हमारी बच्ची को घर में घुस करके यूपी पुलिस मार गई और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये तो हमारे लिए मरने जैसा है। तो ये थे हमारे संग सुरेंद्र सिंह फलौदिया जी, जिनका साफ कहना है कि 20 तारीख तक का हम समय दे रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिख समाज आंदोलन करेगा। ABP गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।